समझा पुत्र को, उनको ढंग का काम करे। ये तेल माजिया को काम है, ये तेल माजिया का काम अगर मैंने सारी जिंदगी किया है ना, तो इसकी कोई वजह थी, वो मुझे कोई काम नहीं आता था। मैं क्या समझाऊं उसे, तू समझा ना, मैं तो सारा दिन उसे समझाती रहती, भला किसी की सुनता भी है? और मैं समझाऊंगा ना तो फिर रोएगी, आई समझ? और मैंने उसे तेल मालसिया नहीं बनने देना, मरता मर जाऊंगा चाहे वो बूढ़ा हो जाए। तू जानवर तेरे काम से। अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ काम पर। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी सारी जिंदगी सड़कों पर घूमते हुए तेल की शीशियां खटखटाते हुए गुजार दे, क्योंकि ये कोई अच्छा काम नहीं है। हम जानते हैं कि लोग इस काम को अच्छी निगाह से नहीं देखते, क्योंकि ये काम अच्छा है ही नहीं। भाई बात यह है कि अगर लोग इस काम को अच्छा नहीं समझते, अच्छी निगाह से नहीं देखते, तो उसमें लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें कसूर मेरा या मेरे जैसे उन लोगों का है जो ये काम करते हैं। लोग मजबूर हैं, शायद वो समझते हैं कि वो कोई और काम कर ही नहीं सकते, ये भी उनकी सोच महदूद होने की वजह से है। वो ऐसा समझते हैं कि वो कोई और काम कर नहीं सकते या उनको कोई और काम मिलेगा नहीं। हालांकि मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, इंसान कोशिश करे तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये काम नहीं करता था तो मेरा अब्बा मुझे सख्ती से इस काम से रोकता था, मगर जब भी मैं तेल मालिश के काम का नाम लेता तो वो परेशान हो जाता। उन दिनों में एक दिन अब्बा घर से बाहर गया हुआ था कि मैं अपने अब्बा की तेल वाली शीशियां उठाकर अपनी माँ और अपनी बहन के सामने अपने अब्बे की एक्टिंग करने लगा और वो मुझे मना करते रहे, मत करो, ऐसा मत करो, मगर मैं मना नहीं हुआ। मेरी माँ और बहन मुझे बहुत समझाती रहीं कि तुम्हारे अब्बा आ गए तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे, बहुत बुरा भला कहेंगे, मगर मैं उनकी एक बात ना माना। होना क्या था, वो ही जिसका डर था, अचानक अब्बा घर में आए और मेरे हाथों में तेल वाली शीशियां देखी तो वो लाल पीले हो गए और मुझे बहुत समझाया। समझाने के बाद जब मैं ना समझा तो मुझे बहुत बुरा भला कहा। उस वक्त तो वो खैर अंदर चले गए, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। फिर एक दिन उसी बात को लेकर उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। देख, मालिश मालिश मालिश, तेल मालिश, सस्ती मालिश मालिश। ये देख अम्मा, ओए शादी तू पागल हो गया, अब्बा आ गया ना तेरी हड्डी पसली ये कर देगा। शादी तेरी बहन ठीक ही कहती है,
तेरा बाबा बाहर से आ गया ना तो इसे तेरे हाथ में देख लिया तो तेरी खैर है नहीं। तो खैर ही अम्मा, अपा तो सारी सारे रात जाकर लोगों की बातचीत करता है, ये काम मैं नहीं कर सकता। तू भी सुन ले, अब वो मेरी पावे हड्डी तोड़े थे पावे तोड़े पसली, मैंने तो कहना है मालिश मालिश तेल मालिश। अरे छाते अब्बा, अरे तूने ये कहने क्यों उठाया? वो अब्बा ये मैं देख रहा था कि शीशी में बड़ी प्यारी लग रही थी, इसमें लगी हुई है ना, तो मैं ये देख रहा था। अरे कान खोल के मेरी बात सुन ले, और फिर तुमने ये कैंडल उठाई ना तो मैंने तुम्हें जान से मार देना। अब्बा तो गुस्सा कर रहा है, वैसे शीशियों को देख रहा था अब्बा। अरे ऐसे ही या वैसे, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुमने ये काम नहीं करना, नहीं करना तो बस नहीं करना। ठीक है अब्बा, जैसे तू कहेगा ना मैं वैसे ही करूंगा। कोई भी काम कर सकता है, बेशुमार काम है रोजी कमाने के लिए, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं उन्होंने एक बात बना ली है कि उन्हें कोई और काम आता नहीं है, वो और क्या करेंगे। हाँ मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा इरशाद यही काम करे, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उसको यही काम करने की इजाजत देनी पड़ी।